Hello dear learners, I welcome you to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari. We have been doing maths of class 7 of NCERT. हम class 7 NCERT की maths कर रहे हैं और हम chapter 6 को continue कर रहे हैं. Chapter 6 है lines and angles यानी रेखा एवं कोण. Exercise 5.1 का question number 12 है. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. Each of the following यानी हर एक angles में आप x, y और z की values find कीजिए. इसमें एक और figure हमें दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम figure 1 को समझेंगे. इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ figure 1 draw किया हुआ है. तो आप देखिए यहाँ पर ये figure हमें दिया हुआ है और इसमें हमें angle x, angle y और angle z की values बतानी है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी वो दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं. तो हमें पता है कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और उनकी वैल्यूज भी इक्वल होती है. मतलब अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल कौन सा है? एक्स. तो एक्स की वैल्यू भी 55 डिग्री ही है. तो सबसे पहले हमें जो समझ में आ रहा है पहले हम उसे लिख लेते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि एंगल एक्स क्या है? एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री है. रीजन क्या है? वाई? बिकॉज एंगल एक्स एंगल 50, ये जो 55 डिग्री है इसका वर्टिकली ऑपोजिट है. तो इसका रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये इसका रीजन है, यानी क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और जब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो उनकी वैल्यूज सेम होती है. एंगल वाई इक्वल होगा एंगल जेड के. एंगल वाई पहले फाइंड करते हैं क्योंकि अगर हमें वाई पता लग गया तो जेड भी पता लग जाएगा, क्योंकि जो वाई की वैल्यू होगी वही जेड की भी वैल्यू होगी. तो आप वाई को ध्यान से देखिए, वाई कहाँ पर है? ये एक स्ट्रेट लाइन पर है. ये रही वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है. और इस पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये पीछे का एंगल ड्रॉ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इस तरफ का ड्रॉ करती हूँ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर है एंगल वाई, ठीक है. यहाँ पर एंगल वाई है और इसके जस्ट नीचे है 55 डिग्री. और आप देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये लीनियर पेयर्स है. जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर्स, ठीक है. तो आप देखिए कि एक 55 डिग्री है और एक y है. हमें पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स होते हैं तो उनका सम जो है स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. इसका मतलब ये है कि y और 55 डिग्री ये दोनों मिला के 180 होने चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल्स हैं, ये लीनियर पेयर्स हैं. तो चलिए इसे लिखते हैं, y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? लीनियर पेयर्स है. ये एक स्ट्रेट लाइन पे पेयर बना रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल्स है और इनका सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है. तो अब हमें क्या करना है? y को ऐसे ही छोड़ देना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट इज रहेगा, प्लस 55 इस तरफ आके माइनस 55 डिग्री हो जाएगा. सो अब माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये 7 हो जाएगा. 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 1 एज इट इज, यानी 125 डिग्री. सो y की वैल्यू क्या है? 125 डिग्री. हमने x फाइंड कर लिया, एंगल x है 55 डिग्री, एंगल y है 125 डिग्री. तो एंगल z क्या होगा? आप देख सकते हैं कि y और z क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है. सबसे पहले तो हमने ये लिखा कि एंगल z जो है वो इक्वल है एंगल y के. रीजन क्या है? रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वो सेम होती है. यानी जो z की वैल्यू है वो इक्वल है y के, तो y की कितनी है? 125 डिग्री.
तो z की कितनी हुई, z की भी 125 डिग्री हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब हमें इस क्वेश्चन में, इस फिगर 2 में x, y और z की वैल्यूज बतानी है। तो आप देखिए यहाँ पर x है यहाँ और y यहाँ पर है और ये रहा z। ठीक है, तो चलिए अब हम फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत इजी तरीके से एंगल्स को फाइंड करूंगी। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ये पता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं सबसे पहले इस तरीके से फाइंड करूंगी। मुझे दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इसे ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है। यहां पर है 40 डिग्री, यहां पर x है, यहां पर z है और यहां पर है y। अभी आप इस लाइन को अभी भूल जाइए, ठीक है। बस आप यहां देखिए कि यहां 40 डिग्री है और यहां पर z है और ये दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जो z है वो इक्वल है 40 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वैल्यूज में सेम होते हैं। यानी z इक्वल है 40 डिग्री के, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस वजह से एंगल z जो है वो 40 डिग्री के ही बराबर है। चलिए अब दूसरा एंगल फाइंड करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसे इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है आधी, ठीक है, ये 40 डिग्री है। मैं इस फिगर में से सिर्फ ये वाला पोर्शन निकाल रही हूँ। ये 40 डिग्री है और ये है एंगल वाई। अब आप देखिए कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर्स, और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है लीनियर पेयर्स यानी रैखिक युग्म, ठीक है, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब अगर मुझे सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी, y को एज इट इज रहने दूंगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट इज रहने दूंगी, प्लस 40 डिग्री को इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, यह हो जाएगा माइनस 40 डिग्री। अब माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 4 इज 4 और 1 एज इट इज। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 140 डिग्री। तो दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं, एंगल z है 40 डिग्री, एंगल y है 140 डिग्री। अब आते हैं एंगल x पे। एंगल x को आप ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे ये एंगल्स बन रहे हैं। एक है 40 डिग्री, एक है x, एक है 25 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, x को भी रहने देते हैं, x को एक तरफ ले आते हैं, इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6 यानी 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू जाननी है तो x इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट इज रहेगा, और 65 को हम इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे। 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1 और 1 एज इट इज। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर हमें रीजन भी देना है। रीजन हम क्या देंगे यहाँ पर, आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स हैं 40x और 25, तो इसका रीजन है लीनियर पेयर्स। जब एक लाइन पे एंगल्स होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स। तो यहाँ पर रीजन है लीनियर पेयर्स। ठीक है, हमने तीनों एंगल्स भी फाइंड कर लिए और तीनों के रीजन भी दे दिए।
एंगल Z इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल Y इज इक्वल टू 140 डिग्री और एंगल X इज इक्वल टू 115 डिग्री। एक और जरूरी बात, ये जरूरी नहीं है कि आप पहले कौन सा एंगल फाइंड करें, आपको जो भी ठीक लगता है, जो भी इजी लगता है, आप पहले उस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने Z से शुरू किया क्योंकि मुझे Z को फाइंड करना ज्यादा इजी लगा। सारे ही इजी हैं, जो आपको ठीक लगता है आप उस एंगल को पहले फाइंड कर सकते हैं। सो डियर लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।